हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सिद्धार्थ शुक्ला को नर्व कंप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की इंजरी में ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस बात की जानकारी खुद सिद्धार्थ ने दी, लेकिन खुशखबरी उन्होंने ये दी कि भाई वो धीरे धीरे वॉक करना शुरू कर रहे हैं। अब इन सभी के बीचों बीच सिद्धार्थ शुक्ला ने कितनी बड़ी बात बोल दी है कि फैंस जो हैं इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। सिद्धार्थ की एक फ़ोटो शेयर की गई हाल ही में। ये फोटो तब की लग रही है जब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर थे और वो बीमार पड़े थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। शायद ये तभी के दौरान की फोटो है और इस फोटो को शेयर करते हुए एक ट्विटर अकाउंट द्वारा लिखा गया, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शुक्ला। और उन्होंने दो फैन क्लब्स को और टैग किया, यानी कि भाई साफ भाषा में बोला जाए तो इनके कहने का मतलब ये है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ याद रहती है वो ये याद रहती है कि आपको किसी ने कैसा फील कराया। और इसका रिप्लाई करते हुए सिद्धार्थ ने कह दिया, और मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि आप लोग मुझे कैसा फील कराते हो। और उन्होंने हर्ट वाला इमोटिकॉन बनाया, एंड आई विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेक मी फील। और हर्ट वाला इमोटिकॉन यानी कि भाई सिद्धार्थ को कितना ज़्यादा अच्छा फैंस फील कराते हैं वो ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।